हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले 88A चाइना बॉडी का जो रहता है कार्ट्रेज, उसको अपन रिफिल करते हैं। अभी जो है कार्ट्रेज वो चाइना मेड इन चाइना कार्ट्रेज है, और ओरिजिनल बॉडी रहती है तो उसको कैसे खोलने का, और चाइना बॉडी रहेगी तो कैसा खोलने का है कार्ट्रेज रिफिल करते वक्त। तो यहाँ पे क्या जो प्लास्टिक का रहता है उसके लिए आपको टेस्टर के जैसा शेप में लगेगा, और उसको आपको प्लास्टिक का जो दोनों तरह लगेगा वो निकालना होगा। जो प्लास्टिक का ऐसा ढंकन रहेगा, देखिए लॉक ऐसा हाथ से बाहर निकाल लेना है। सेम दूसरी तरफ भी वैसा ही रहता है, और आपको वो भी वैसा ही निकालना है। उसके बाद आपको कार्ट्रिज को थोड़ा सा मूव करेंगे तो दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएगा। आप इसमें देख पा रहेंगे कि जो यहाँ पे जो खाली है, यहाँ पे जो खाली पाउडर हो गया है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत तो पाउडर चिटका हुआ है। अभी है जो अपन उसको निकालते हैं। अगर किसी किसी कार्ट्रिज में आप स्क्रू निकाल सकते हो, नया तो नहीं है, तो आपका जो ड्रम का पिन है वो आपको निकालना होगा। यहाँ से जो है वो अपन पिन निकालते हैं बार की ओर, उसको थोड़ा थोड़ा पुश करने के बाद वो बार पिन चली जाती है। उसके बाद आप थोड़ा घुमाएंगे तो ड्रम बार आ जाएगा, इसको ड्रम रोल बोलते हैं, और इसको पीसीआर रोल बोलते हैं। उसके बाद आपको स्क्रू ड्राइवर से दोनों स्क्रू खोलना होगा, और पहली बात कि जब तक एक थोड़ा गीला कपड़े से आप क्लीन कर देंगे तब तक वो ब्लेड वाला पार्ट आप क्लीन करेंगे तब तक ये सूख जाएगा। और टिश्यू पेपर लेके आपको जो है वो ड्रम रोल को एकदम क्लीन कर देना है, जो ऊपर थोड़ा बहुत डस्ट रहेगा वो आपको निकाल देना है। फिर आपको ये दोनों स्क्रू है, दोनों स्क्रू निकालना है। वीडियो बाय टेक्निकल किशन यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक कर दो। हमारे पास रेगुलरली कार्ट्रिज रिफिलिंग का वीडियो अपलोड होता है। उसके बाद जो ब्लेड है उसको आपको हटा के जो वेस्ट टोनर है उसको साइड से निकाल देना है, और उसके बाद जो है इसके ऊपर पाउडर चिपका हुआ थोड़ा कपड़े से साफ कर देना है। उसके बाद हाथ से ऐसा घुमाने पर अगर थोड़ा वैसा लग रहे है जैसा कि कटा हुआ तो आपको चेंज करना, और फिर आपको पाउंस पाउडर लेना है। पाउंस पाउडर आप कार्ट्रिज के ऊपर भी लगा सकते हैं, और यहाँ तो नीचे पाउंस पाउडर डाल के फिर उंगली पे लेके इसके ऊपर आपको घूमर लगा देना है जो ब्लेड के ऊपर, ताकि जो ड्रम है वो घूमने में थोड़ा आसान हो जाए फर्स्ट टाइम में। जो अपन है उसके ऊपर जो लगा देते हैं पाउंस पाउडर, उसके बाद जैसा ही आपने निकाला है वैसे सेम टू सेम उसको लगा के जाना है। दोनों साइड से अपन जो उसका निकाला था स्क्रू वो लगा दिए हैं। उसके बाद जो पीसीआर रोल है वो भी सेम टू सेम आपको लगाना है। इसके बाद जो ये ड्रम का पिन है वो आपको लगा देना है। कहने का मतलब वो कि जैसा ही आप निकालेंगे वैसे सेम टू सेम उसको लगाने का प्रोसेस भी सेम ही है। अभी जो है वो कार्ट्रिज खोलते हैं। अभी यहाँ पे भी स्क्रू आपको रहेगा, वो स्क्रू यहाँ से रिमूव करना है, निकालना है बाहर। उसके बाहर की ओर आप खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे भी आप नाखून से पुश करेंगे तो ये भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद एक चक्कर में बाहर निकाल लेना है, और ऐसा खींच के बाहर निकालना है। फिर आपको ये टिश्यू पेपर से उसको साफ करना है। जो इसके ऊपर पाउडर चिपका रहेगा वो पूरा क्लीन कर देना है। अगर आपके पास अल्कोहल रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो चलता है। अगर अल्कोहल रहेगा थोड़ा अल्कोहल टिश्यू पेपर पर रख के फिर इसको क्लीन कर देंगे तो एकदम क्लीन हो जाता है। क्लीन होने के बाद जैसा ही अपन ए साइड से जो बूस्ट निकला था
और दूसरी तरफ एक बुश और एक गियर है, वो भी वैसे ही आपको लगा देना है। लगा के फिर उसको आप साइड में रख दीजिए। उसके बाद इसको थोड़ा घुमा के जो भी पाउडर रहेगा वो निकाल देना है, ताकि क्या हर एक का जन जो रिफिल करने वाला अलग अलग कंपनी का पाउडर यूज़ करते हैं, उस वजह से प्रॉब्लम आता है। उसी जगह पर क्या करना है, क्लीन करने के बाद थोड़ा मुँह से फूंक मार देना है, ताकि जो पाउडर चिटका हुआ है वो थोड़ा निकल जाए, ताकि जो उसका माउसर है धबा धबा प्रिंट में ना आए। फिर आप गीले कपड़े से उसका जो ब्लेड है वो ब्लेड आपको क्लीन कर देना है, ताकि क्लीन कॉपी अच्छी आए। अगर अल्कोहल है तो उसे भी एक बार थोड़ा क्लीन कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपके पास, अगर आप पैकेट वाले यूज़ करते हैं पाउडर, या तो आपके पास कोई डब्बी रहेगी, जो भी रहेगा आपको थोड़ा ऐसा हिला के डाल देना, ताकि क्या है कि अंदर जो पाउडर रहेगा वो थोड़ा एकदम फ्री हो जाए। उसके बाद जो भी है हमें उसमें पाउडर डाल देना है। एटीए टोनर कार्ट्रिज की कैपेसिटी 80 ग्राम से लेके आप 120 ग्राम तक पाउडर डाल सकते हैं, और ट्वेले में आप 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक पाउडर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। उसके बाद जो मैग्नेट वाला पार्ट है वो आपको लगा देना है। लगने बाद आपको स्क्रू लगा देना है। आपको ये मैग्नेट पर लगाते वक्त ध्यान रखना है कि मैग्नेट रोल का जो अंदर का शिफ्ट है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या वो मैग्नेट रोल घूम जाता है तो बराबर से लगता नहीं है। उसके बाद थोड़ा काटरे दोनों हाथ से ये थोड़ा हिला के बाद फिर वो कर देना, ताकि पूरा पाउडर अंदर फैल जाए। फिर आपको लगा देना है काटरेज का जैसा है वैसे ही उसको लगा देना है। जो अगर आप कार्ट्रिज रिफिल करना चाहते हैं 10 मिनट के अंदर हो जाता है। उसके बाद ये दोनों तरह स्प्रिंग रहेगा, स्प्रिंग आपको अच्छी तरह से लगा देना है जैसा रहेगा वो, ताकि अगर स्प्रिंग टेढ़ा रहेगा तो प्रिंट लाइट आती है, तो स्प्रिंग का भी आपको ध्यान रखना है। फिर जो अपन जो निकाला था वही ब्लैक कलर का लॉक, वो आपको दोनों तरह से लगा देना है, दोनों तरह से लगा देना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।